करने का ऐलान किया है। इतना बड़ा नुकसान कर सकती है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अब पीडीए के तहत चुनाव में जा रहे हैं, उसमें दलित भी है और दलित की बहुत। बसपा के बारे में मैं भी नहीं हूँ मैडम, सपा समाजवादी पार्टी की बसपा से, जैसा कि आपने बताया बसपा कहने को तैयार नहीं है, क्या गठबंधन की बात आगे जारी है? समाजवादी पार्टी बीएसपी को फिर से गठबंधन में लाना चाह रही है, इंडी गठबंधन में? मैं इस बारे में कुछ कहते हैं कि पीडीए के नाम पर छलावा कर रही है। अलवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरा, मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते। डिंपल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स हो, भारतीय जनता पार्टी हो, रोजगार हो, पेपर लीक हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर सवाल पूछा तो डिंपल यादव ने कहा कि इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उस समय डिंपल यादव ने सार्वजनिक मंच पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन डिंपल यादव कभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर कोई निशाना नहीं साधती है। अखिलेश यादव लगातार प्रतिक्रिया देते रहते हैं लेकिन डिंपल यादव नहीं बोलती। एक बार फिर उन्होंने आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से साफ कह दिया कि बीएसपी के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, इस बारे में उनसे सवाल ना करें।